जन्म जन्म मोहे दीजिए प्यारी श्री का विषय है प्रियालाल को कहते हैं प्रियालाल तो प्रकट नहीं है पर बातें बड़ी बात ये भैया हम सबको इन ऋषिकन के सानिध्य में बैठ के संकीर्तन करने को अवसर मिलो ये बड़ी बात है अपने सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में रह करके यदि श्री जी का नाम गाने को मिले तो फिर ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि प्रियालाल अब हमसे दूर नहीं बिल्कुल हमारे संग हैं प्रेम से बोलो राधे राधे एक बार बड़े भाव से बोलो श्री हरि बोल जय जय श्री हरि बोल आइए थोड़ी देर श्री प्रियाजू का नाम क्योंकि हम हरिवंश में तो केवल प्रिया जी हैं, लाल जी की तरफ भी दृष्टि नहीं है हमारी केवल प्रिया जी के गोरे से मिनिस्ट्री से है तो फिर है ना तो आइए अपनी ऐसी लाडली का नाम हम सब मिलकर के बड़ी भाव और श्रद्धा से सब मिले सब गाए सबने गाना है बड़े भाव से गाना है आज देखो अभी हम रस्ते में सोचते आ रहे जब इतू आ रहे ना और मन में आई मैंने कहा यहाँ बाहर बाहर तो बाबा खूब बड़े बड़े संकीर्तन है रहे लेकिन वास्तविकता में तो जहाँ श्री जी साक्षात विराजमान है वहां कोई ना आ रहा कर लेकिन जो कर रहे हैं ना बैठ के परम भाग्यशाली नहीं कहेंगे इसमें आप सब परम कृपा पात्र हैं कि जितने लोग यहाँ बैठ करके श्री जी का नाम गा रहे हैं आप समझ लेना आप यहाँ से जाने के बाद इस बात का अनुभव करोगे कि श्री जी ने आपको क्या दे दिया आज जन्मदिन को ठीक है आओ मेरे साथ सब मिलकर के बोलना सब गाना Radha, 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 Radha. Oh,
सरल नाम है। कैसा नाम? बहुत सरल नाम। अरे ऐसा नाम है, सरल जरूर है लेकिन ऐसा नाम है जो ठाकुर जी को भी तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करते। Yeah.
Thank you.
समस्तीपुर के स्थान हम लोग ऐसे बातों में बोलते थे लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाते। लाडली को आपकी व्यवस्था नहीं चाहिए, लाडली को आपके फूल रखने की आवश्यकता नहीं है, लाडली को आपके श्रृंगार की जरूरत नहीं है। आप क्या श्रृंगार करोगे, उनका श्रृंगार तो सब लाल जी करते हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या सजाएंगे, उनका नाम ले लेंगे, हमारा जीवन सजराए जा रहे हैं, हम उनको क्या सजाएंगे। हम तो केवल एक काम करेंगे, अपना समर्पण करेंगे लाडो के चरणों में। और समर्पण कैसे होता है सुनो ध्यान से, कि मैं सब द्वारन को छाड़ के प्यार लाओ तेरे द्वार। तानी कौन बजाएगा,
पैदा करता है वो कनिष्ठा मंत्री होता है भाई। और जो श्री जी के कीर्तन में मिलकर सहयोग देता है वो श्री जी का प्यारा बन जाता है। एक बार प्रेम से बोलो श्री हरिवंश। और प्रेम से बोलो एक वृंदावन में बाबा थे वो भी राधा नाम से। कोई राधा नाम उनके पास जाता तो बाबा एक लोड़ा पत्थर लेके भागते पीछे। भाई शांति बना के रखो हमारी पास देखिए भैया ये कितना देते मंडल का कोई भी सदस्य हो बोला पीछे से आके बैठे मुझा देते ठीक है ना। आओ पीछे से आ जाए और नेक जी के आगे भी सच्चा हो भाई 250 ग्राम आ जा थोड़ा थोड़ा सा दिया सबको जगह दे बैठ के थोड़ा बढ़ा के अपने आप बने जगह छोटी नहीं है भाई। 1 किलो का आनंद लेना तो 250 ग्राम आगे होना पड़ेगा तुम्हें। अगर 1 किलो का आनंद लेना तो सब 250 ग्राम आगे हो जाऊंगा। एक आदमी हमारे पास आया बोलो महाराज इतनी जोर जोर से चीख चीख के राधा 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 तुमने 2 घंटा से पागल कर दिए सबरे। बोले राधा रानी मिल सकती है? हमने कहा बिल्कुल मिल सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमने कहा जिसने कहा नहीं मिल सकती बिल्कुल मिल सकती है तो बोले मिलाओ। हमने कहा ठीक है तू हमारी 2 बातों का उत्तर दे दे राधा रानी अभी सामने प्रकट हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसने कही बाबा बताओ। मैंने कही लाला मिश्री जाने मिश्री के हाँ। मैंने कही तू मिश्री को स्वाद बता दे कैसा हो गए और हरी मिर्ची जाने के हाँ। मैंने कही तू मिर्च को स्वाद बता दे के अरे बोले बाबा मिर्च खाने से पता लगेगी मिर्च है के ना है। उन्हें मिश्री अंदर मुख में डाल के रसा स्वादन करने से पता लगेगी कितनों में खास है। अरे तो मैंने की गाली के तेने तो उत्तर खुद ही दे दियो। अरे जब तक राधा नाम गाएगा नहीं तो प्यारी जी प्रणाम कैसे होंगी। Oh,
की दासी हूँ, मैं तो सखी की सखी हूँ भैया। और सखियों का काम तो हम तो एजेंट है स्वामी जो की, हमें तो ऐसे खेच खेच के दाना पड़ता है। हमारे Oh,
सबको श्री जी के नेत्रों के जैसे में कह दो। स्वामी जी की कृपा रही, क्योंकि भैया फिर मिलने का वादा तो करके जा रहे हैं, लेकिन सच बताऊं बचपन में बताया ये धराधाम सत्य है। अरे बचपन में बताया हमें ये धराधाम सत्य है, जवानी में कोई बोला बोले अर्थ काम सत्य है, पर प्यारे जब पिंजरे से पंछी उड़ गया तब किसी ने बोला राधा नाम सत्य। लेकिन उस समय उड़ चुका था, हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हम अभी हैं श्री जी के साथ, हम राजों के सामने बैठ करके उनको रिझा पा रहे हैं। इस जीवन का लाभ ले लो, कुछ नहीं पता, और बस इसी आश्रम में राधा नाम गाना कि बस इन्हीं किसी गली में यही किसी वन में श्री जी को प्रणाम करते करते शरीर शांत हो। इतनी आशा में राधा नाम लाना, बस याद रखो जीवन सार्थक हो जाएगा। सभी को हमारी भाव भरी जय जय श्री हरिवंश।